Now, friends, the second part of the Rogers theory is ideal self-concept. So he talked about ideal self-concept. He talked about it. Everybody of us has a chupa hua ideal self-concept. So everybody has some ideals, what he wants to, kaise dikhna chahta hai, and kaun uska role model hai. So ideal self-concept uske paas hai. Har ek insaan ke paas, aapke paas, mere paas, sabke paas ek ideal self-concept hai. Aur ideal self, ye wo self hai, jo हम बनना चाहते हैं, जो हम होना चाहते हैं, जो हमारा फैंटेसी वर्ल्ड है और जो बात करता है हमारी एग्जिस्टेंस की, जो बात करता है खूब हमारी ज़िंदगी की खूबसूरती की, वॉल्यूएशन की, कि हम क्या चाहते हैं, हमारा मीनिंग ऑफ लाइफ क्या है. और जब जब कॉरेस्पॉन्डेंस होती है बेटा आइडियल सेल्फ कॉन्सेप्ट में और रियल सेल्फ कॉन्सेप्ट में, तो हम बहुत खुश होते हैं, हम बहुत हैप्पीनेस फील करते हैं. और अगर ये कॉरेस्पॉन्डेंस हेल्दी है तो हम बहुत अच्छा फील करते हैं. और अगर ये जो कॉरेस्पॉन्डेंस